हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल आई होप एवरी वन इज़ डूइंग वेल स्टूडेंट्स टूडे आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर नाइन अवर चैप्टर नेम इज प्रोनाउंस वन इन दिस चैप्टर पेज नंबर आपको मैं सबसे पहले एक्सप्लेन कर दूँ कि प्रोनाउंस uh, जो होता है नाउन किस जगह पे काम आने वाला होता है और पेज नंबर फोर्टी फोर है ये और जैसे कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली नोट द वर्ड्स इन इटालिक्स ठीक है डेफिनेशन देखिए इसमें अब प्रोनाउन इज़ ए वर्ड विच इज़ यूज इंस्टेड ऑफ़ ए नाउन प्रोनाउन वो वर्ड है जो नाउन की जगह पे यूज़ में आता है अब यहाँ सिर्फ हमने प्रीवियस क्लासेस में भी प्रोनाउन पढ़ा है उसमें जो सेम है जैसे कि चेंज सम ऑफ नाउन इन टू प्रोनाउंस इन द फॉलोविंग कुछ एक्सरसाइज देख के हमें समझ आएगा जैसे कि द गर्ल सेंग स्वीटली द पीपुल लिसन टू आ, हर अब देखिए गर्ल के लिए यहाँ हर यूज में आया है बिकॉज यहाँ हमें पता है कि गर्ल जो है एक बार द गर्ल इज अ नाउन देन हर इज़ ए प्रोनाउन अब यहाँ द पीपल वापस से जब है तो पीपल की जगह यहाँ पे दे आ गया दे लाइक द दे लाइक्ट द गर्ल की वजह यहाँ अब दे लाइक्ट हर यूज में लेंगे ज्यादा बेटर है दी सोल्जर्स आर वाउंडेड दे मस्ट गो टू हॉस्पिटल अब यहाँ पे देखिए एक बार सोल्जर्स यूज आ गया नाउन है और दी सोल्जर्स की जहाँ प्रोनाउन यूज में है दे अ बॉय सा अ मैंगो ऑन द ट्री ही प्लग द मैंगो बॉय की जगह नाउन बॉय इज़ अ नाउन और अब नेक्स्ट टाइम जब आपको द बॉय लगाना होता है तो वहाँ आपने ही यूज़ में है आपको पता है स्टूडेंट्स uh, जैसे कि हम एक बार बोलते हैं कि जैसे कि uh, राम ने आम खाया राम पेड़ पे चढ़ा राम वापस उतरा तो इस जगह से हम uh, ज़्यादा यूज़ में ठीक ही लगेगा कि राम ने आम खाया और वह पेड़ पर पे चढ़ा वह वापस नीचे उतरा तो यही प्रोनाउन है जैसे कि राम की वजह राम की जगह पे प्रोनाउन वह हो गया मींस ही हो गया जैसे कि कोई भी गज़ल सा अतुल ठीक है अब गज़ल की जगह है प्रोनाउन शी आया है शी कॉल्ड आउट टू अतुल अतुल आंसर्ड गज़ल गज़ल की जगह अतुल आंसर्ड अतुल आंसर्ड हर की जगह भी uh, गज़ल सा अतुल शी कोल्ड आउट टू अतुल ही आंसर्ड हर और गज़ल एंड अतुल की जगह दे वेंट अलोंग टुगेदर तो यहाँ अतुल की जगह भी आप ही उसमें ले सकते हैं ही आंसर्ड हर गज़ल ने अतुल को देखा वह उस और गजल कोल्ड आउट टू अतुल तो शी कोल्ड आउट टू हिम ज़्यादा बेटर है शी कोल्ड आउट टू हिम और उसके बाद में ही आंसर्ड हर और दे वेंट अलोंग टूगेदर अब नेक्स्ट है प्रोनाउन देट आर यूज टू डिस्क्राइब ए, ए पर्टिकुलर पर्सन थिंग और ग्रुप और थिंग्स आर कोल्ड पर्सनल प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन इंक्लूड्स आई यू ही शी इट वी एंड दे पर्सनल प्रोनाउन जो होता है वो प्रोनाउन होता है जो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग या ग्रुप ऑफ ग्रुप को इंडिकेट करती हो बताती हो पर्सनल प्रोनाउन है और पर्सनल प्रोनाउन में पता क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं जैसे कि आई यू ही शी इट वी एंड दे अच्छा अब देखिए when we talk about ourselves, our our opinions and the things that happens to us, we generally speak in the first person. ab यह dekhiye I and we are used as subject, me and us are used as object. I or जो uh, we have वो subject के रूप में uh, use में आता है. Subject means starting, किसी भी sentence का starting word. और वही me और जो us है वो एक object जो है वो उसमें use में आता है. आई और मी जो है वो सिंगुलर नंबर है और वी एंड us जो है वो प्लूरल नंबर है ये आ, सबसे इम्पोर्टेंट बात है जैसे कि डिड यू आस्क अबाउ अब्दुल और मी शोहराब एंड आई वेंट टू द स्टेशन विल यू लेट हरी एंड विल यू लेट हरी एंड ये जो है यहाँ पे दो चीज़ें नहीं थी मैंने मैं खुद इसे रब करना भूल गई विल यू लेट हरी एंड मी हरी एंड आई गो टू द सिनेमा हरी एंड आई विल यू लेट हरी एंड आई मी हटेगा हरी एंड आई गो टू द सिनेमा आप ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे मी नहीं आएगा लेकिन मैं वीडियो में वाप करना ही भूल रही थी और हु इज स्ट्रोंगर यू और मी आई बॉट दिस बाइसकल फॉर मी नोट फॉर यू सिट हीयर बिटवीन रमा एंड मी माई सिस्टर एंड आई हैड एंड नाई स्टिनर बिटवीन यू एंड मी इट इज नॉट ट्रू अब देखिए वी और एस से आपको उसको फिल करना है हैव दे डन बेटर देन वी हैव और द टीचर्स पनिश्ड अस मोर देन द अदर बॉयज ये सब प्रोनाउंस है दे आर रीचर देन अस आर की वजह अस यूज में आएगा मदर गेव अस मोर मैंगोज देन शी गेव टू हरी एंड शी अब ये जो एक्सरसाइज टू है ये भी हमारी कंप्लीट हो गई इसमें सिर्फ आप ये ध्यान रखिएगा सी में जो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है वो यू शुड डू करेक्शन अब यहाँ से अब नेक्स्ट देखिए अब नेक्स्ट जो है सेकेंड पर्सन द सेकेंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू बिलोंग टू द पर्सन और पीपल बींग एड्रेस्ड, दिस इज़ द यू प्रस्पेक्टिव जैसे यू आर लेट रिया आई विल पनिश यू आई विल पनिश यू ऑल यू आर लेट बॉयज़ वी ऑब्जर्व दैट यू इन वन एंड थ्री इज़ यूज एज ए सब्जेक्ट इसमें देखिए वन और जो थ्री है वो एक सब्जेक्ट के रूप में यूज में सब्जेक्ट मीन्स जो सेंटेंस uh, का स्टार्टिंग जो वर्ड होता है वो सब्जेक्ट होता है लेकिन जो टू एंड फोर वाला है आई विल पनिश यू और आई विल पनिश यू ऑल ये जो है आपके ऑब्जेक्ट में ये देखिए पीछे आया सेंटेंस में यू और यू ऑल तो वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट वी यूज वेदर वी स्पीक टू वन पर्सन और मोर पर्सन देन वन नॉट केयरफुली दैट यू ऑलवेज टेक ए प्लूरल यू आर मिस्टेकन माई बॉय यू आर मिस्टेकन माई बॉयज द थर्ड पर्सन पॉइंट्स ऑफ व्यू बिलोंग्स टू द पर्सन और पीपल बींग टॉक् अबाउट द थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं आपको मैं क्लियर कर दूँ ही हिम शी हर इट दे और देम ही इज़ इल आई ऑफ़न गो टू सी हिम शी इज इल आई ऑफन गो टू सी हर ये देखिए थर्ड प्रोनाउन हो गया है ही शी और हर इट हिम ये जो है ये थर्ड प्रोनाउन है ही शी एंड दे आर यूज एज सब्जेक्ट वही वाली बात है कि ही शी और जो है वो सब्जेक्ट यानी वर्ब के सॉरी uh, सेंटेंस जो है उसके स्टार्टिंग में आएगा यूज में और जो कि ये ऑब्जेक्ट है हिम हर डैम ही का प्रोनाउन है तो ये जस्ट इसके मतलब बाद में आएगा ऑब्जेक्ट की जगह काम में आएगा फिल इन फिल इन ईच ब्रेंस विथ पर्सनल प्रोनाउन चूज फ्रॉम द ब्रैकेट वेर इज सिमरन आई वॉन्ट टू सी हर अब देखिए सिमरन इज ए गर्ल सो यह प्रोनाउन हर लगाया है ये थर्ड पर्सन है दे सेंड फॉर यू एंड हर कॉल सेम आई मस्ट स्पीक टू हिम बॉय के लिए ही और हिम यूज में आएगा और गर्ल के लिए शी और हर यूज में आएगा यह आप बात ध्यान रखिएगा टेल दैम टू गो अवे अब ये देखिए प्रोनाउन ही हिम आर ऑफ मैस्कुलिन जेंडर एंड सिंगुलर नंबर और शी हर आर फैमिलिन जेंडर एंड सिंगुलर नंबर देखिए ही और हिम जो होता है वो मैस्कुलिन जेंडर है यानी ये किसी भी आदमी के लिए जो जेंडर है वो आदमी के लिए आता है तो सिंगुलर नंबर होता है मैस्कुलिन जेंडर है किसी बॉय के लिए यूज़ में आता है ही और हिम और शी और हर जो है वो किसी भी गर्ल के लिए यूज़ में आता है और ये फेमिनिन जेंडर है और ये भी सिंगुलर नंबर में होता है लेकिन दे देम और ऑफ कॉमन जेंडर दे और जो देम है वो गर्ल के लिए भी यूज गर्ल्स बिकॉज ग्रुप ग्रुप जो है ग्रुप के लिए जैसे कि दो या दो से ज़्यादा जो होते हैं और ये कॉमन जेंडर है ये इसमें गर्ल uh, या बॉय दोनों में से कोई भी हो सकता है और इट है जो न्यूट्रल जेंडर है और ये सिंगुलर नंबर में होता है अब आपको चीज़ समझ में आ गई होगी जैसे कि द बॉय पास्ट बिकॉज ही वर्कड हार्ड बॉय है तो आपने देखा यहाँ पे ही यूज़ में आया यू कैन सी इन दिस सेंटेंस द बॉय पास्ट बिकॉज ही वर्कड हार्ड अब यहाँ ये तो नहीं बोला गया ना कि द बॉय पास्ट बिकॉज द बॉय वर्कड हार्ड ये बड़ा अजीब लगता है सेंटेंस लेकिन और इसे ज़्यादा बढ़िया और कम्फर्टेबल बनाने के लिए आप प्रोनाउन यूज़ में लेते हो जैसे कि द गर्ल पास्ट बिकॉज शी वर्कड हार्ड अब इसमें भी ये देखिए ना कि द गर्ल बोला लेकिन प्रोनाउन यूज़ में लिया गया, गया बिकॉज जो सेंटेंस uh, होता है वो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगने लग जाता है ज्यादा ठीक uh, लगता है अब आप इसी तरह से ये जो सारे हैं एक्सरसाइज है एक्सरसाइज फाइव पे आएंगे कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद पर्सनल प्रोनाउन इन एग्रीमेंट विद देयर नाउन द डॉग वॉज हंग्री सो आई फीड इट आई लुक फॉर माई कैमरा आई लुक फॉर माई कैमरा

वर्ड्स विच शो पोजीशन और रिलेशनशिप ऑफ ए पर्सन और थिंग टू अनादर पर्सन और थिंग आर पॉजिशन प्रोनाउंस नाउंस देखिए को, कोई भी ना आ, जो है वर्ड किसी भी पर्सन के साथ रिलेशनशिप जो है वो आ, दिखाता है तो वो होता है पॉजिशिव नाउम्स जैसे कि दिस पेन इज़ जॉन्स इट इज़ हीज ये जो पेन है ये किसका है जॉन का है और ये उसका है इज दिस इट इज अवर्स तो देखिए यहां पे ये हो गया पॉजिटिव अब यहाँ देखिए आपको ज्यादा समझ में आएगा पॉजिटिव प्रोनाउन यूजली फॉलो द नाउन्स दे आर रेफर टू दे आर नेवर कम बिफोर द नाउन्स और सबसे बढ़िया आर नॉट यूज्ड इन पॉजिटिव प्रोनाउन अब आप यहाँ देखिए सर्कल द करेक्ट पॉजिटिव प्रोनाउन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन माई बैग इज़ हैवियर देन यॉर्स ये जो योर्स है ये गलत पे टिक लगा हुआ है योर्स जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि योर्स पे जो फर्स्ट फर्स्ट जो लेटर है फर्स्ट जो योर्स है वो आपको पॉजिटिव नाउन में टिक लगाना है ये बाई मिस्टेक हुआ है ये भी तो आप योर्स जो है फर्स्ट वाले पे टिक लगाएंगे द बैग इज हैवियर देन योर्स क्योंकि इसके अंदर एपोस्ट्स जो है वो यूज में नहीं आता ये हमें स्पेशली इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं दी शूज आर माइंड द केट इज देअर्स द फोन लुक्स डिफरेंट फ्रॉम माइंड द हाउस विद द येलो विंडोज इज अवर्स दिस बुक इज हर्स कैन हाई कैन आई हैव योर पेन माइंड इज इट नॉट वर्किंग इस तरह से होगा अब ये है दिस बुक इज यू यू की जगह भी आप यहाँ पे योर्स आएगा और एपोस्ट्रॉप यूज में नहीं आएगा देन यू है यू कैन रिमोव दिस एपोस्ट्रॉप ठीक है द बॉल इज माइंड द ब्लू कार इज आवर्स द रिंग इज हर्स अब इस तरह से होने के बाद में ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है डेमोन्स्ट्रिटिव प्रोनाउन फोकस अटेंशन ऑन द नाउन्स देट आर रिप्लेसिंग जो कि द बॉय इज बिजी विथ वर्क डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है दिस इज योर्स अपॉइंटमेंट लेटर ये है डेमोन्स्ट्रिव प्रो प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है uh, अब देखिए अंडरलाइन द डेमो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इन सर्कल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस यहाँ पर आपको ये जो मैं पूरी एक्सरसाइज जो मैं आपको बाद में सॉल्व करके बताऊँगी यहाँ पे आपको डेमोनसटिव एडजेक्टिव पे तो अंडरलाइन करना है और डेमोनीस्टिव प्रोनाउन के ऊपर सर्कल लगाना है जैसे कि द बॉय इज़ बिज़ी विथ वर्क है तो दिस इज़ योर अपॉइंटमेंट लेटर ये दे, ये डेमोनीस्टिव प्रोनाउन हो गया और दिस बॉय इज़ बिज़ी विथ वर्क तो ये हो गया डेमोनेस्टिव एडजेक्टिव जैसे कि इट विल बी सीन दैट दिस दैट दीज एंड दोज प्लेस्ड बिफोर ए नाउन बिकम डेमोनेस्टिव एडजेक्टिव डेमोनेस्टिव एडजेक्टिव जो है वो हो गया दिस दैट दीज एंड डोज तो और डेमोनेस्टिव प्रोनाउन हो गया अब जैसे कि नो नीड टू फियर दैट तो दैट इज कूल्ड डेमोनेस्टिव प्रनाम इट विल बी सीन दैट दिस दैट डीज एंड दोज ये जो है डेमोनेस्टिव प्रो प्रोनाउम्स की जगह यूज़ में आता है अब आई थिंक आपकी एक्सरसाइज एट तक तो, तो कंप्लीट हो ही चुका है सो स्टूडेंट्स आई थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आपको इस जो एक्सरसाइज है वो मैं पी डी एफ बना के सेंड कर दूँगी और गुड बाय